टेस्टी, इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज, ब्यूटी टिप्स और होम टिप्स को देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आप मेरी वीडियो के अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन देख पाएंगे। हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज हम महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस स्नैक्स रेसिपी साबूदाना वड़ा या सागो वड़ा बनाएंगे। ट्रेडिशनली साबूदाना टिक्की को डीप फ्राई करके बनाया जाता है, पर आज इस रेसिपी को एक हेल्दी ट्विस्ट देते हुए हम इसे बिना फ्राई करे अप्पे स्टैंड या फिर अपम स्टैंड में बनाएंगे। इन क्रंची वड़ों को आप हरी चटनी के साथ सुबह के नाश्ते में या फिर शाम को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से इस हेल्दी स्नैक्स रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर करें। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हम इस तरह के छोटे दाने वाले साबूदाने लेंगे। यहाँ मैंने एक कप साबूदाना लिया है, आप मेजरमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी को ले सकते हैं। इन साबूदानों को 2 से 3 बार पानी बदलते हुए अच्छे से धो लेंगे। पहली बार धोते समय आप इन्हें अच्छे से मसलते हुए धोएं और बाकी की 2 बार इन्हें हल्के हाथ से धोएं। धोने के बाद इनमें साबूदाने के बराबर पानी डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कप साबूदाना लिया था, तो हम इसमें 1 कप उसी कटोरी से नापकर पानी डाल देंगे और इन्हें 1 से 2 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। यह देखिए, मैंने 1 कप साबूदानों को पानी में 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था और अब ये अच्छे से फूल गए हैं। आप देख सकते हैं सभी दाने एकदम खिले खिले हैं और अंदर तक नरम हो गए हैं। अब इन साबूदानों में हम ऐड करेंगे बॉईल करे हुए आलू। इन आलुओं को छीलकर मैश कर लेंगे। अब इन मसले हुए आलुओं को साबूदाने में डाल देंगे। आलू के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 3 टेबलस्पून क्रश करी हुई सींग दाना। अगर आप कच्ची मूंगफली ले रहे हैं तो उसे ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका उतार लें और फिर उसे क्रश करके इसमें डालें। मूंगफली के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3/4 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और सादा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून या फिर 1 नींबू का रस डाल देंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। व्रत या उपवास के लिए बनाते समय आप इसमें नमक की जगह सेंधा नमक भी ले सकते हैं। साबूदाना टिक्की या साबूदाने वड़े का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। इसके लिए हाथ पर हल्का सा तेल लगा लेंगे। साबूदाने का थोड़ा सा मसाला लेकर नींबू से भी छोटी साइज की बॉल बना लेंगे। तैयार बॉल्स को हल्का सा दबाकर टिक्कियां का शेप दे देंगे। इसी तरह से हम बाकी की टिक्कियां बना लेंगे। इतने मिक्सचर से लगभग 40 टिक्कियां बनी हैं। साबूदाने टिक्की को सेकने के लिए हम इस तरह का अप्पा स्टैंड लेंगे। ये नॉनस्टिक स्टैंड होता है और ये आपको किसी भी बर्तन की दुकान पर या फिर ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। इस अप्पम स्टैंड को मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाए तब इसके सभी सांचों में 2 से 3 ड्रॉप तेल डाल देंगे। अब इनमें तैयार टिक्कियां रख देंगे और इन्हें मीडियम से लो फ्लेम पर सेक लेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट बाद इन्हें पलट देंगे और इसी तरह से हर 1.5 से 2 मिनट में पलटते हुए इन्हें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। साबूदाना टिक्की तैयार है, इसे बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही क्रंची और टेस्टी साबूदाना टिक्की बनी है। आप देख सकते हैं कि बिना तले हुए भी इनका कितना अच्छा कलर आया है। इन्हें हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।